दरअसल कल रात मेरे द्वारा कवरेज की जा रही थी, स्टिंग का ऑपरेशन चल रहा था जिसके दौरान शमशुन निशा के पुत्र सिराज थे। सूचना के आधार पर जब उनके पीछे जाया गया किसी आधार पर, तो देखा ये गया कि आंखों देखा, हालांकि जब देखा गया मौके वारदात पर तो उनके द्वारा कुछ शराब के पैकेट जो थे बोरी में भरकर और घर घर पहुँचाए जा रहे थे, जिसके बाद कवरेज की गई। कवरेज के दौरान उन्होंने अहाता पाई जिस तरीके से की, जिस तरीके से अभद्रता की, और इसी दौरान उनसे जब पूछा गया कि आपने बोरी में क्या ले रखा है, तो उन्होंने सीधे बताया कि आचार संहिता का जो समय होता है उसका ख़त्म हो चुका है और कार्यालय पर जो था समय ख़त्म हो जाने की वजह से जो पैकेट खाने के थे वो घर घर पहुँचाए जा रहे हैं। तो मैंने वहीं उनसे सीधे पूछा कि जब आपके द्वारा कार्यालय के जो पैकेट पहुँचाए जा रहे थे तो एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप खाना पहुँचा रहे हैं तो मुझे भी भूख लगी, हालाँकि उस समय वो मुझसे परिचित नहीं थे। जब बात आगे बढ़ी तब उन्होंने कहा कि मैं आपको ऑलरेडी पहले से जानता हूं और आपको जानता हूं, तो इस तरीके से बातें की जो अभद्रता की, और जिस तरीके से मैंने आंखों से देखा कि किस तरीके से शमशुन निशा के पुत्र जो शराब बांटने का काम कर रहे थे, ये काम कल ही नहीं हुआ था, ये दो दिन से लगातार चल रहा था। यहाँ की क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी गई थी लेकिन क्षेत्रीय पुलिस ने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया बल्कि समर्थन जताया। क्या नाम उनके बेटे का? सिराज नाम है शमशुन निशा के पुत्र का। तो क्या देखा आपने? देखा कि वो बोरी में ले जाके डोर टू डोर जो है, उनके साथ में और एक सहयोगी था, डोर टू डोर जो शराब के पाउच थे उनको ले जाने का काम कराया जा रहा था। तो आपने उनसे रोका? हाँ, रोकने की बिल्कुल कोशिश की, पूरी रोका नहीं बल्कि मैंने उनसे पूछा कि इसमें है क्या, तो उन्होंने कहा कि खाने के पैकेट हैं, तो मैंने कहा खाने के जब पैकेट हैं तो आप क्यों ना उन्हें एक बार मुझे भी दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। मामला कहाँ का? ये आपका नगर पंचायत थ्रिया का, थ्रिया निजामत का थाना कैंट लगता है आपका ये रेली मंडल से। मुझे, हाँ मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मुझे कल रात में सूचना मिली, मैं लगातार क्योंकि मेरे वहाँ पर प्रत्याशी इश्ताक अहमद जी चुनाव निशान केतली से चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो वहाँ लगातार मैं दो तीन दिनों से देख रहा हूँ कि वहाँ पर बड़ी संदिग्ध परिस्थिति चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पर जो प्रत्याशियों द्वारा रात के 10 बजे के बाद वहाँ कार्यालय पर जो अपने भीड़ इकट्ठी करके, हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करके वहाँ खाने के पैकेट और वहाँ पर रसगुल्ले, मिठाई के डिब्बे, पैसे, दारू सब बांटी जा रही थी। तो कल मुझे रात में सूचना मिली, एक पत्रकार महोदय हैं तबरेज आलम जी, उनके द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था कि वो स्टिंग ऑपरेशन में शमशुन निशा के जो पुत्र हैं, जो बेटे हैं सिराज, उनके द्वारा और उनके एक सहयोगी द्वारा वहाँ पर दारू बांटी जा रही थी, जो ठिरिया में गौटिया का जो इलाका है बिलाल मस्जिद के पास में, वहाँ दारू बांटी जा रही थी। तो जब मुझे सूचना मिली और तबरेज भाई ने वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन किया, हमारे पास रात में वीडियो आए, तो हम रात में यहाँ पर 3 बजे यहाँ पर थाने पर आए, हमने सूचना दिया कि थाने पर आके कि वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जिसके संबंध में आज भाई थाने पर हम लोग सुबह आए हैं और यहाँ पर तहरीर दिलवाई गई है और कार्रवाई का आश्वासन मिला है कार्रवाई के लिए। जी जी,